नमस्कार आदाब। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले दिनों मुंब्रा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुखबिरों द्वारा उन्हें गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग कौसा बाईपास के निकट माज होटल के पास मांडूल सांप बेचने के लिए आने वाले हैं। सूचना के आधार पर मुंब्रा पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ब्रांच के उप पुलिस निरीक्षक अजीत बड़े और उनकी टीम ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किशोर पासलकर के मार्गदर्शन में कौसा बाईपास के निकट माज होटल के पास पुलिस का जाल बिछाकर दो लोगों को मांडूल सांप के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम रामचंद्र आशा वारघड़े उम्र 40 साल और नरेंद्र चंद्रकांत पवार उम्र 21 साल है। दोनों ही रायगढ़ जिले के रहने वाले हैं। पुलिस को उनके पास से जो मांडूल सांप बरामद हुआ है उसकी कीमत 25 लाख बताई गई है। इस मांडूल सांप की लंबाई 34 इंच और इसका वजन 1 किलो 50 ग्राम बताया गया है। गौरतलब है कि मांडूल जाति के सांपों का इस्तेमाल अधिकतर दवाओं के लिए या फिर काला जादू के लिए किया जाता है। पुलिस ने दोनों अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय